बेगूसराय जिले के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बीरपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के विभिन्न पंजियों का जांच भी की। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई विभाग पदाधिकारी कर्मचारी जिस समय आगमन एवं प्रस्थान करें तो उसी समय उपस्थिति पंजी पर समय अंकित अवश्य करें, ताकि विलम्ब से पहुंचने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी चिन्हित हो सके। डीएम ने आरटीपीएस काउंटर का भी जायजा लिया। इस दौरान आरटीपीएस काउंटर का राशन कार्ड के लिए जमा हो रहे आवेदनों से संबंधित जानकारी से भी अवगत हुए। डीएम ने बताया कि आरटीपीएस काउंटर पर बेहतर सुविधा उपलब्ध पाई गई है। उन्होंने बताया कि डी पर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में फेवर ब्लॉक सड़क उखाड़े जाने के मामले को लेकर बीरपुर प्रखंड के बीडीओ अखिलेश कुमार को जांच करने का आदेश दिया गया। मौके पर बीडीओ अखिलेश कुमार, सीओ ललिता कुमारी समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित। बीटी न्यूज बिहार के लिए बीरपुर से कुमार सचिन की रिपोर्ट। और प्रखंड कार्यालय जरूर सीधे पंचायत में जाते हैं, प्रथम विकास पदाधिकारी निर्देश दिया है उनका भी उपस्थिति यही पे बनवाएं, और जो कर्मचारी देर से आएंगे 10:45 के बाद से उसको अपना समय अंकित करें, ताकि विलम्ब से आने वालों को चिन्हित किया जा सके। आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया गया, इसमें कोई बिचौलिया नहीं पाया गया। जो आवेदक थे अपना आवेदन लेते हुए यहाँ पर खड़े हुए थे, और यहाँ पर कम संख्या में लोग खड़े हुए हैं तो पूछा गया। बाकी प्रखंडों में देखा जा रहा बहुत भीड़ लग रही है, तो बताया गया कि पंचायत स्तर के जो कार्यपालक सहायक हैं वो लोग भी इसका आवेदन ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। सर, एक नया मामला था डी पर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, जो उप मुखिया के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन मंगलवार को उखाड़ लिया गया। हमें ये सूचना मिली है, तो उसमें दूसरा भी पक्ष मुखिया का भी बयान देखा गया। उसका कहना है वो सरकारी फंड से नहीं बनाया था, कोई निकासी कोई एमबी नहीं किया था, अपने उससे लगा के उसलिए हटाया है। तो हालांकि वो अभी अखबार की कटिंग में आया हुआ, तो जांच के लिए वीडियो साहब को दिया जा रहा है। तो जांच करेंगे, अगर उसमें सरकारी पैसे से बनाया होगा तब कार्रवाई की जाएगी, और खुद से अपना बनाया होगा नहीं। सर, एक और था बात कि अभी जैसे आशा कहते हैं जीविका कर्मी के द्वारा इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बोला जा रहा है कि जो 200 रुपया खर्च लगेगा और उसमें जो है जीविका के माध्यम से ही मिलेगा। जीविका कर्मियों का आप लोगों के माध्यम से सभी बीरपुर के निवासियों से अपील करता हूँ, जीविका कर्मियों का प्रधानमंत्री आवास योजना में रोल नहीं है, वो आवास सहायक का रोल है और प्रखंड कार्यालय का रोल होता है। तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और जो भी उनका समस्या है आवास सहायक से मिले या ब्लॉक में आकर मिले, उसमें और किसी विभाग के कर्मी को उसमें कोई रोल नहीं है। अमीन जो है बहुत दिन से नहीं है, जिस कारण से भूमि विवाद यहाँ बढ़ते जा रहा है। हाँ नहीं, वो तो पूरे जिला पूरे बिहार की समस्या अभी उनका, तो सरकार के स्तर से उसकी बहाली भी हो रही है। और हालांकि जहाँ जहाँ पे नापी का इशू आता है, अंचल अधिकारी जब याचना करते हैं, तो हम लोग जिला से जो बंदोबस्त कार्यालय के अमीन है उनको डिप्यूट करके नापी